मैं रुख करूंगा अहेली घोष का। अहेली, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या हुआ था रात और उसके बाद किस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम रहा है, ब्रीफ दीजिए हमको। देखिए अनुराग, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी, कल रात का हुआ हादसा हम सब देख चुके हैं, लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर, इसके बाद जो हादसा हुआ वो हम सब देख चुके हैं। कल अचानक लड़कियों के जो आंदोलन था वो सिर्फ कोलकाता में नहीं था, वो पूरा राज्य में था, राज्य बोलना भी भूल होगा, पूरा देश में था। उस आंदोलन के समय आंदोलन का जो जगह है अर्थात ये आर्जिकर अस्पताल, इस अस्पताल में हमला हुआ, वो भी 10-12 गुंडा का नहीं, 100-200 गुंडा का हमला हुआ। और वहाँ पे जो हमें दिखा गया आर्जिकर अस्पताल का जो ओपीडी है और जो इमरजेंसी का जगह है वो एकदम तहस नहस कर दिया गया, और आंदोलन का जो मंच है अर्थात जो डॉक्टर्स जो थे वो जो जहाँ पे बैठ के ये आंदोलन कर रहे थे वो मंच एकदम तोड़ा गया, लेकिन उनका मनोबल वो नहीं तोड़ सके वो गुंडों ने, और उसका ही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो फिर से बैठे हैं, उनके हाथ में प्लैकर्ड है, उनके गले में एक ही आवाज है, नो सेफ्टी नो ड्यूटी वी वांट जस्टिस। मैं बात करना चाहूंगी आपके साथ, बात करना चाहूंगी, कल जो हादसा हुआ हम सब देखे, आप लोगों ने जो धरना मंच था आप लोगों का वो एकदम तहस नहस कर दिया गया, फिर भी आप लोग आंदोलन के आवाज में डटे रहे। हाँ, क्योंकि हम लोग ये आंदोलन किसी के डर से नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग का राइट है, जस्टिस है, टू बी सेफ, टू बी हैप्पी एंड टू बी टू हैव इंश्योर द प्रॉपर वर्क स्पेस टू वर्क, जस्ट नॉट फॉर अस। जितना भी वेस्ट बंगाल में या पूरे इंडिया में जितनी भी नारियां हैं सबका सेफ्टी हम लोगों का प्रायोरिटी है, सबके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे, पहले तो आप लोगों का एक कॉलीग का बेरहमे से मौत, उसके बाद प्रोटेस्ट के दिन ऐसा एक हादसा, एक हमला, आप लोग क्या डर गए? बिल्कुल ही नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे, प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक जस्टिस नहीं आएगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे उस हमलाकारियों को? सपोज दो जी।